आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह डेल लेटिट्यूड E64 लैपटॉप में आप किस तरह नोटिफिकेशन एरिया में ब्लूटूथ आइकन किस तरह शो कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर जो है ब्लूटूथ का आइकन देखना चाहते हैं तो वो आप किस तरह ला सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं इस लैपटॉप में ब्लूटूथ ऑन करूँगा, तो ये जो कॉर्नर में नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लूटूथ दिखाई देगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ब्लूटूथ ऑन हो गया है। ब्लूटूथ तो ऑन हो गया है लेकिन यहाँ पर फिर भी ब्लूटूथ का आइकन नहीं दिखाई दे रहा है। तो ब्लूटूथ का आइकन नोटिफिकेशन एरिया में शो करने के लिए आपको सबसे पहले टाइप हियर टू सर्च में टाइप करना है सेटिंग्स। मैंने सेटिंग्स टाइप किया, फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा सेटिंग्स, इसे ओपन करना है। इस पर क्लिक करके फिर आपको यहाँ पर डिवाइसेस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लूटूथ ऑन है। तो मुझे नोटिफिकेशन एरिया में उसे शो करना है यहाँ पर। तो उसके बाद आपको जो है यहाँ पर राइट साइड में मोर ब्लूटूथ ऑप्शंस, इस पर क्लिक करना है। मोर ब्लूटूथ ऑप्शंस पर फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख रहा है शो ब्लूटूथ आइकन इन द नोटिफिकेशन एरिया, आपको इसे टिक करना है और फिर नीचे आकर के अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो है ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है, ब्लूटूथ का आइकन आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप जो है नोटिफिकेशन एरिया में ब्लूटूथ का आइकन शो कर सकते हैं।